केंद्रीय कैबिनेट ने आज जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत किसानों के फायदे के लिए खाद पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने चिट फंड संशोधन बिल 2019 को संसद में पेश करने के फैसले को भी मंजूर किया। उन्नाव रेप केस में पीड़ित परिवार की ओर से 2 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र के बारे में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्री को ये लेटर मिलने के बाद कितने दिनों में इसे आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। रायबरेली उन्नाव रेप पीड़िता की कार के दुर्घटना स्थल पर आज 12 सदस्यीय सीबीआई टीम ने पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद गुरबख्शगंज थाने में केस से संबंधित एफआईआर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी सीबीआई टीम के साथ मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव रेप केस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और वो निलंबित ही रहेंगे। मामले में सीबीआई जांच जारी। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने अब्दुल्ला आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में अलग अलग जन्मतिथियां दर्ज कराई हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रकाशन विभाग के ई प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें मोबाइल, डिजिटल, टीवी, रोजगार समाचार का ये संस्करण, ई पुस्तक सत्याग्रह गीता शामिल है। विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऐतिहासिक 3 तलाक विधेयक राज्यसभा से कराया पारित। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन जाएगा कानून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने पर खुशी जाहिर की और ट्वीट करते हुए कहा कि ये महिला पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 तलाक बिल पास होने पर ट्वीट कर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने लिखा, पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन। आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नारी गरिमा की रक्षा के लिए इस बिल का पास होना बहुत जरूरी था, यह ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस सपा बसपा की पोल खुली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए चित्रकूट में भूमि अधिग्रहण की 98% भूमि क्रय की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके एवज में 43 करोड़ रुपए किसानों के खाते में मुआवजे की धनराशि भी भेजी जा चुकी है। वर्षा जल को संरक्षित कर जल संकट से निजात पाने के लिए सोनभद्र के ध्रुव एवं पहाड़ी अंचलों में राजस्थान की तट पर टांके का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 25,000 क्षमता वाले इन टांकों की स्थिति यह है कि इनके आसपास एक बड़ा कैचमेंट एरिया बनाकर सीधे बरसात के पानी को उसमें डालने की व्यवस्था होती है। अलीगढ़ जनपद में भूजल संरक्षण और संचयन के लिए स्कूलों कॉलेजों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाए जा रहे हैं, जिससे वर्षा का जल इन सोखतों में जाकर जमीन में चला जाए। इससे भूजल का स्तर बढ़ेगा और ऊपरी परत पर नमी ही रहेगी, वृक्षों को भी पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद की आज 139वीं जयंती है। आज ही के दिन 1880 में हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक समेत कई बाल पुस्तकों की रचना की। आपका लेटर सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो